अब हमारी मिसाल ले लीजिए, शेख आप ही निकाह पढ़ाना, शेख आप ही आना मेरे निकाह में, शेख आके पहले बैठे हुए हैं, नौशा हमाम खाने में मौजूद है जी। वक्त की अहमियत नहीं है, हमारे पास वक्त की अहमियत नहीं है, इसके निकाह में वक्त की अहमियत नहीं है। जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला इतनी वक्त की अहमियत सिखा रहा है, याद रखो तौबा में भी वक्त है। किसमें किसमें वक्त है? तौबा में वक्त है। मैंने हदीस तौबा के ताल्लुक से नोट की है, वक्त से पहले तौबा करेंगे वो तौबा कबूल होगी। अगर वो वक्त क्रॉस हो गया तो फिरौन भी किया, तब कौन किया? आमंतु, मैं ईमान लेकर आता हूं उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लेकर आए। जी आमनत भी ही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, आज से मैं मुसलमान हूं। किसने कहा ये? ग्यारहवें पारे में सूरह यूनुस में आयत है, आमंतु बिल्लजी आमनत बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। फिरौन मरने से पहले इस दुनिया में पानी के अंदर फिरौन ने भी कहा मैं आज मुसलमान हो गया हूं, आज मैं सारे गुनाह छोड़ दिया हूं। उसे जवाब क्या दिया गया फिरौन को? लेके जाओ इस मस्जिद खैरुल्लाह से आ अल आन। अल्लाह का जवाब कैसा है देखो, आ अल आन वक़द आसैत कबल, अब क्या तर्जमा है उर्दू में? अब तुझे अल्लाह याद आ रहा है, अब तुझे तौबा याद आ रही है, अब मरने को सामने तूने देख लिया है, अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तुझे तौबा याद आ रही है। आ अल आन वक़द आसैत कबल, सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह।